हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, ऑन संडे आई हैड गिवन यू टेस्ट पेपर टू। एज आई टोल्ड दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई टेस्ट सीरीज एंड इट वॉज टेस्ट पेपर सेकेंड। एंड आई टोल्ड दैट ऑन ट्यूजडे और मे बी वन और टू डे इट मे गेट डिलेड, बट नो प्रॉब्लम। टूडे वी विल सॉल्व एंड टूडे आई एम हियर विद दोज आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस, विद ऑल द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस। इट मीन्स टेस्ट पेपर सेकेंड। मेनी ऑफ यू हैव सेंट मी so many answers on my WhatsApp and I have checked them also, and those who couldn't send or those who viewed only and solved in their subconscious or tried to solve verbally for them also, today here we are here to present the answers of all those questions. So okay friends, without getting or without being late, should we start? So friends, as you know that it is already written solved test paper 2. Friends, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने टेस्ट पेपर के एक दो दिन पहले मैं क्वेश्चन पेपर शो करूंगी और उसके एक दो दिन बाद उसके सारे आंसर्स को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और जो कुछ भी कंफ्यूजन हो वो इस आंसर शीट के जरिए और इस आंसर्स के थ्रू आप इसको जो भी कन्फ्यूजन हो उसको रिमूव कर सकें। तो फ्रेंड्स, एंड जैसा मैंने आपको बताया है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें बेसिक क्लास के इंडियन कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस के या न्यूज़पेपर वर्ड्स के सारे ही क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने उस दिन आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्वेश्चंस हैं बेसिक क्लास के लिए। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम लोग इसको देखते हैं कि क्या उसके आंसर होंगे एंड हाउ मच यू पीपल हैव ट्राइड टू डू और ट्राई टू सॉल्व। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, लाइक हाउ एंड देन देयर वॉज ब्लैंक, हाउ ब्लैंक क्वेश्चंस आर देयर इन टेस्ट पेपर एंड ऑप्शन इज गिवन मच मेनी एंड आई टोल्ड यू दैट you have to select or you have to choose one, which one correct suitable answer you have to choose. So how blank questions are there in test paper? So correct answer is, or the suitable answer is, many. How many questions are there in test paper? And option much many. Well friends, why many I have used? Because questions are countable, so questions can be counted. So it is how many questions are there in test paper. Well friends, इसका आंसर हुआ कि टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन टेस्ट पेपर, इट मींस टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन हैं। बिकॉज क्वेश्चंस को तो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ मेनी का यूज होगा। ये वाटर या लिक्विड सब्सटेंस तो है नहीं, इसलिए यहाँ मच यूज नहीं होगा। वेल फ्रेंड्स, हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव ब्लैंक मिल्क एंड एज ऑप्शन मच मेनी। सो यहाँ मच का यूज करेंगे क्योंकि मिल्क लिक्विड सब्सटेंस है। सो आई हैव मच मिल्क, यहाँ मेनी नहीं यूज कर सकते क्योंकि मिल्क जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, वो लिक्विड होता है। सो आई हैव ब्लैंक मिल्क और ऑप्शन में मच मेनी जो दिया हुआ है, जिसमें कि मच जो है वो करेक्ट होगा और यहाँ पर मेनी करेक्ट होगा क्योंकि ये काउंटेबल है और ये मिल्क अनकाउंटेबल है। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको नाम दिए हुए थे, कुछ नाम जिनको कि आपको इंग्लिश में लिखना था उसकी स्पेलिंग। तो कौस्तुब फर्स्ट नेम था, कौस्तुब की स्पेलिंग होगी KAUSHTUBH। फ्रेंड्स, कपर ऑफ की मात्रा चूंकि दी हुई है इसलिए इसकी इंग्लिश AU होगी, तो KAUSHTUBH कौस्तुब। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट नेम पर आते हैं। नेक्स्ट नेम है अश्विनी, अश्विनी। सो ए स्टैंड फॉर अ, सो ए एश एच, चूंकि यहाँ बड़ा वाला श है और चूंकि ये कम्प्लीट नहीं है इसलिए इस पर ये इनकम्प्लीट है, आधा श दिया है इसलिए यहाँ ए नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ एश एच लगाएंगे जो कि आधे श को इंडिकेट करेगा। तो ए एश एच वी आई एन आई। फ्रेंड्स, इस पर व पर छोटी मात्रा दी है इसलिए वी आई लगाएंगे और बड़ी की मात्रा के लिए भी आप आई या डबल ई दोनों में से यूज कर सकते हैं, तो मैंने आई यूज किया है। वेल फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट नेम पर आते हैं, धृतराज। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको, क्योंकि हम सभी लोग महाभारत और रामायण वगैरह देख रहे हैं तो हमने उस नेम को वहां से लिया है। तो धृतराष्ट्र, डी एच ध हो गया, आर आई धृत और टी धृत हो गया और राष्ट्र आर ए एस एस टी आर ए। फ्रेंड, जैसा कि षटकोण के लिए भी हम एस एच यूज करते हैं और ट पर र दिया हुआ है तो टी आर ए, डी एच आर आई टी आर ए एस एच टी आर ए, दैट इज कॉल्ड धृतराष्ट्र। ये हुई तीनों नेम की स्पेलिंग। ओके फ्रेंड्स, हम नीचे आते हैं। जैसा मैंने उस दिन आपसे कहा था कि मैंने जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स पढ़ाए थे तो उसमें सारे डिटेल्स मैंने बताए थे, डब्ल्यू एच वाले सारे सारे वर्ड्स,
तो उसमें से मैं ले रही हूँ, जैसे मैंने दिया था आपसे आपको कब से, इसके अलावा कितने का, तो कब किससे की इंग्लिश होगी सिंस वेन, इसके अलावा मोरओवर कितने का, इट मीन्स हाउ मच, दाम के लिए। जब भी हम किसी चीज का दाम पूछते हैं तो हम उससे पूछते हैं हाउ मच, मीन्स कितने का है, लाइक हाउ मच इज दिस पेन, जैसा मैंने उस दिन आपको बताया था। वेल फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के आंसर पर आते हैं। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो हम क्या चीज यूज करते हैं, तो जैसा दिया हुआ है, मैंने दिया था दे, वी और यू, शी, ये चार वर्ड्स मैंने दिए थे और चार प्रोनाउन दिए थे जिनको कि आपको लिखना था। अगर ये ऑब्जेक्ट में होंगे तो इनको क्या यूज करेंगे इनके लिए, तो दे, और दे के साथ हम यूज करेंगे देम, दे के साथ देम, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे का होगा देम, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा अस, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा यू, यू को हम लोग और किसी चीज में चेंज नहीं करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म दोनों बराबर होता है। शी को हम यूज करेंगे हर। वेल फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन रहे इसके लिए, मतलब जो बेसिक क्लास को मेरे व्यू कर रही है उनके लिए। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव टू दैट सेक्शन विच आई एम गिविंग फॉर इंडियन, फॉर दोज व्यूअर्स हु आर वॉचिंग माई इंडियन कन्वर्सेशनल सेंटेंसेज और दोज हु आर व्यूइंग माई न्यूज पेपर वर्ड सेक्शन। सो वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, कुछ लोग दाने दाने को मोहताज हैं, सो सम पीपल आर ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्वेशन। फ्रेंड्स, कुछ लोग दाने दाने को मोहताज हैं, सम पीपल आर ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्वेशन, ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्वेशन इट मीन्स दाने दाने को मोहताज होना, और सम पीपल कुछ लोग, सम पीपल आर ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में, मैं अपने अध्यापक के आदेश पर आया, मैं अपने अध्यापक के आदेश पर आया, सो आई केम, केम बिकॉज इट इज पास्ट इंडेफिनिट, आई केम एट द बिहेस्ट ऑफ माई टीचर, आई केम एट द बिहेस्ट ऑफ माई टीचर, दैट डे आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एट द बिहेस्ट ऑफ इट मीन्स के आदेश पर और के रिक्वेस्ट पर। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर एट, यह तुम्हारे पहुंच के बाहर है, सो यह तुम्हारे पहुंच के बाहर है, इट इज बियॉन्ड योर रीच। फ्रेंड्स, आर ई ए सी एच, रीच, इट इज बियॉन्ड योर रीच, ये हुआ मीन्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एट। वेल फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, वह नशे में धुत था, सो वह नशे में धुत था, he was intoxicated, that day I told that intoxicate it means to make somebody drunk, so it means he was intoxicated, it means वह नशे में धुत था, it will be adjective or we can say that it will be passive voice, it is used in passive voice. Okay, now question number 10, DM ने मौके का जायजा लिया, so DM took the stock of situation, DM took the stock of situation, take the stock of situation, friends, that day I told that मौके का जायजा लेना, so to take the stock of situation it means मौके का जायजा लेना, so DM took the stock of situation, because liya it shows past indefinite, so we will use second form, and then question number 11, in question number 11, because it is not all, I will give other answers also, so yeah, it is given question number 11, अप्रिय घटना it is called untoward incident, अप्रिय घटना it is called untoward incident, उपग्रह it means it is satellite, and पूर्णिमा it is full moon. Friends, I repeated question number 11, I had given अप्रिय घटना, so अप्रिय घटना it is called in English untoward incident, then second word was there उपग्रह, उपग्रह it is called satellite, and then पूर्णिमा, पूर्णिमा it is called full moon. Okay friends, there are only 11 answers, and I'm going to give some other also, so okay, wait. Well friends, this is question number 11, the answer of that, because I had given you 4 or 5 words, or maybe 4 if I forget. So Suryagrahan it is called solar eclipse, yes I had given you 5, and that was Suryagrahan, so solar eclipse, and Akashganga, so it is called galaxy. Well friends, टू क्वेश्चन आर फॉर बेसिक क्लास, ये दो क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं बेसिक क्लास के लिए हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 12, दिस पेन इज ब्लैंक, मेरा, सो दिस पेन इज माइन। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वर्ड बीच में आता है, अगर हम कहेंगे यह मेरी पेन है, तो इसकी इंग्लिश जैसे मैंने आपको बताया है कि दिस इज माई पेन, लेकिन अगर है सेंटेंस कि दिस पेन इज माइन, चूंकि ये अंत में आया है इसलिए माइन यूज करेंगे पजेटिव प्रोनाउन वाला। ये सारी चीजें मैंने आपको अपने प्रीवियस सारे बेसिक क्लास की इंटरव्यू जो भी वीडियोस डाले हैं उस समय मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, शी विल सेल हर हाउस,
तो यहाँ अपना के लिए हम यूज करेंगे हर, तो शी विल सेल हर हाउस, क्योंकि शी है तो शी के साथ अपना के लिए हर यूज करेंगे, अगर एक बॉय होता तो हम यूज करते हैं हिज, सो शी विल सेल हर हाउस. Well friends, question number 14. Now we will talk about question number 14. And I had given you one translation and I told you that you have to translate that in English. And the key word you have to use basically. So, मैं साधारण फिल्में नहीं देखता. So, it's English. I don't watch mediocre films. Mediocre word is keyword and this I have given in newspaper section. So, I don't watch mediocre films. Well friends, question number 15. मुझे इतना बड़ा तमगा मत दो. So, it's in English. Don't lionize me this much. Don't lionize me this much. Lionize, this is keyword. It means किसी को बहुत अधिक सम्मान देना. And mediocre, it is keyword. It means साधारण. Well friends, I hope you might be getting. Now we will talk about question number 16. सैनिकों की टुकड़ी. So सैनिकों की टुकड़ी, it is called regiment of soldiers. सैनिकों की टुकड़ी, regiment of soldiers. It is question number 16. And now it is the last but not the least. Question number 17. ऐसा आदमी और मेरा पति, so such a man and my husband, like this. These all are the answer of that questions which I had given you in question in test paper second. Well friends, if there is any doubt or any confusion, if you don't understand or regarding this, if you have any confusion, you may ask me. And please watch this video till the end so that your confusion can be removed. And if you like my channel, so please share, comment, view and like my channel. Well friends, have a good day.